वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशा रंगवानी आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ मोतीचूर की खीर, यानी मोतीचूर लड्डू की खीर, वो जो बहुत ही टेस्टी है और क्विक बनने वाली है और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये बनाएं खीर, आप मुझे बताएं, कमेंट भी करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे बनाएं और ट्राई करें। एक बार खाएंगे तो दूसरी खीर भी भूल जाएंगे आप, तो इसे आप बनाएं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें एक बॉयल आ चुका है, हम इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको रिड्यूस करेंगे। हम ज्यादा इसको मतलब गाढ़ा नहीं करेंगे, हमें रबड़ी नहीं बनानी है, हमें सिंपल थोड़ा सा गाढ़ा करना है दूध को। हम इसको 2 या 3 तरह से हम बना सकते हैं। एक तो सिंपली बना सकते हैं जैसे रबड़ी बनाते हैं, ये तरीका तो वही है। एक तो आप सिंपली इसको दूध को गाढ़ा करें स्लो फ्लेम पे धीरे 10 से 12 मिनट तक, और दूसरा आप उसके अंदर में खोया डाल सकते हैं। अगर खोया डालते हैं तो थोड़ा कम देर के लिए आप उसको गाढ़ा कीजिए, और मिल्क मेड भी अगर डालेंगे तो उसको भी उस तरह से थोड़ा कम आप उसको कम देर गाढ़ा कीजिए। मुश्किल से 7 मिनट, लगभग 5 से 7 मिनट तक आप गाढ़ा कीजिए, फिर उसके अंदर मिल्क में डाल के उसको फिर 2-3 मिनट उबालने दीजिए। आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से इसको गाढ़ा करें, और चीनी आप मिल्क में अगर डाल रहे हैं तो ना डालें, और अगर खोया वो डाल रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी डालें। तो आप जिस प्रोसेस से बनाना चाहें। अब इसको बॉयल होते 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट। अब मैं इसमें केसर डाल दूंगी, और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसको बॉयल आने दें अभी और 1-2 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 5 से 6 काजू, 5 से 6 बादाम, उन सबको ग्रेट कर लिया है मैंने। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टेबलस्पून आप देख सकते हैं मिल्क मेड लिया है, हम इसको डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हाफ रिड्यूस कीजिए। अगर मिल्क मेड है तो आप वो डालें उसमें। फिर चीनी को थोड़ा सा आप देख ध्यान से डालें, ऐसे चीनी हम डालेंगे नहीं क्योंकि हम इसमें लड्डू डाल रहे हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी, ये मेरे पास मग्स हैं, महीन और मोटे दोनों हैं, यानी खरबूजे और तरबूज दोनों के मग्स हैं। ऐसे ये भी उसमें होते हैं लड्डू में, तो आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिस्ता, और थोड़ा सा मैं इसको गार्निश के लिए रखूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बूंदी, यानी मोतीचूर के लड्डू, हम लड्डू से बनाएंगे इसको। बहुत ही टेस्टी खीर लगती है ये, और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। अब ये मेरे पास लड्डू है, इसको मैंने चूर कर लिया है, ये मैंने 3 लड्डू लिए हैं, ये इतनी 1/2 लीटर के लिए 3 लड्डू सफिशियंट है। ये साइज है लड्डू का, कभी इससे बड़ा होता है तो आप देख सकते हैं, इसको 3/4 आप कप के हिसाब से डालें तो 3/4, वैसे 3 लड्डू सफिशियंट है साइज के, तो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे आप। ये व्रत के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे थर्सडे व्रत में, किसी भी व्रत में आप इसको खा सकते हैं। जो मैंने बेसन के चिल्ले बताए हैं उसके साथ भी खा सकते हैं इसको, और खाली भी खा सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। बहुत टेस्टी खीर लगती है, आप इसे बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें बॉयल आने दें, और अब हम इसमें, आप चाहें तो गुलाब की पेटल्स, रोज पेटल्स डाल सकते हैं, ड्राई मिलती हैं, और नहीं तो रोज फ्लेवर भी डाल सकते हैं।
और मेरे पास ये रोज एसेंस है, ये देख सकते हैं मैंने 1/4 स्पून लिया है, आप इसे ऐड करें। अगर आप ज्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और अब ये एक बॉयल आने दें और इसे बंद कर दें। अब ये बनकर रेडी है हमारी खीर, अब हम सर्व कर लेते हैं। और इस पर थोड़ी सी पिस्ता डालकर इसको सर्व करें। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी मोती।